दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर से लेकर आ गया हूं एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जो अपनी दिन व मुदाफत की बातें बताते हैं। अगर कोई मुसाफिर दिन के रास्ते से भटक जाता है तो ये उनको मोटिवेट करते हैं और वह व्यक्ति एक नए सिले से दिन की राह पर चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल हबीब अत्तरी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी फुल लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, स्ट्रगल स्टोरी और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो शायद आप ना जानते होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो लेट्स गो स्टार्ट। इनका निक नेम हबीब अत्तरी है और इनका फुल नेम हाजी अब्दुल हबीब अत्तरी है। मौलाना अब्दुल हबीब अत्तरी की पैदाइश 14 अक्टूबर सन 1974 को पाकिस्तान के शहर कराची में हुआ था। 2022 के हिसाब से इनकी एज की बात की जाए तो इनकी एज 48 साल हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। तो इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई कराची से ही की है और ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई जामिया अमजदिया कराची पाकिस्तान से की है, दरसिन निजामी की। इनकी नेशनलिटी की बात की जाए तो इनकी नेशनलिटी पाकिस्तान है। ये रिलीजन से इस्लाम धर्म के हैं। बात की जाए इनकी प्रोफेशन की तो ये प्रोफेशन से एक इंटरनेशनल स्पीकर एंड इस्लामिक स्कॉलर है। अब बात कर लेते हैं इनकी फिजिकल स्टेटस की तो इनकी हेयर कलर वाइट है और इनकी आई कलर ब्लैक है। डिनोमिनेशन से ये सुन्नी हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दावते इस्लामी की। तो दोस्तों अब्दुल हबीब अत्तरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दावते इस्लामी के केंद्रीय कार्यकारी समिति के मेंबर हैं। इसके अलावा यह जामियतुल मदीना दावते इस्लामी के संस्थानों के प्रमुख भी हैं जो इस्लामी स्कॉलरों को निर्माण करते हैं। इनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है जिनका नाम अब्दुल हबीब अत्तरी है, जिस पर 8.7.5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। इस चैनल पर इन्होंने 8000 प्लस वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में ये खुतबा के तौर तरीके, दुआ, मनकबत, बयान और वह दीन व इस्लाम की बातें बताते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो हम आपको बता रहे हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।